नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है और आपको कब से कब तक अप्लाई करना है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, हर विषय पर बात करेंगे विस्तार से। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो गाइस, आज हम यानी आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि नीट का एग्जाम कैसे आपको डॉक्टर बना सकता है। बात करते हैं कि देखिए, नीट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 6 मार्च 2023 से स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट क्या है तो 6 अप्रैल 2023 है। मतलब एक महीने का लगभग आपके पास टाइम है नीट का रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूआर के स्टूडेंट को कितनी फीस लगने वाली है। तो जो स्टूडेंट यूआर से आते हैं उन्हें 1700 रुपये की फीस लगने वाली है और जो स्टूडेंट है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें 1000 रुपये की फीस लगने वाली है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले स्टूडेंट को 1600 रुपये की फीस लगने वाली है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन से है, उनको 9500 रुपये की फीस लगेगी अगर वो इंडिया से डॉक्टर की डिग्री या फिर नीट के थ्रू क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ओके, तो एग्ज़ाम डेट क्या होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम डेट है 7 मई 2023 को नीट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेबस क्या रहेगा, तो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जैसा था वैसे ही सेम पैटर्न है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देख लेते हो कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। जो सब कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए जो सिर्फ टाइम पास के लिए आता, एलिजिबल होंगे। तो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे और ऐसे स्टूडेंट जो जनरल से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनके 12th में मैक्सिमम 50% होने चाहिए और जो अदर कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से है उनको 40% लगभग उनके नंबर होना चाहिए 12th में। बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर 31/12/2006 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते, मतलब कि 17 साल से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नीट 2023 के लिए और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि 40 साल 35 साल ऐसी कोई लिमिट नहीं है, सभी डाल सकते हैं। बस मिनिमम जो डेट ऑफ बर्थ, मतलब मिनिमम जो आपकी एज है वो 17 साल से अधिक होनी चाहिए या 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ आपको फोटो किस टाइप की लगानी है। तो ऐसी फोटो होना चाहिए जिसमें बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फोटो में वाइट कलर का होना चाहिए, आपके सिग्नेचर लगेगी, फिंगरप्रिंट्स, फिंगर एंड थंब का प्रिंट लगने वाला है। तो पैड में लगाकर आप इस तरीके से अपना प्लेन पेपर में लेके स्कैन करके लगा सकते हैं। ओके, और एड्रेस प्रूफ आईडी लगेगी, जो भी आपकी आईडी हो, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, जो भी एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका फुल एड्रेस लिखा हो वह लगेगा। ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लगने वाला है, इसमें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो आपको वह लगाना पड़ेगा और ईमेल आईडी आपकी जो जिसमें रनिंग हो, जिसमें मैसेज आते हो, जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ऐसी ईमेल आईडी लगाइए और मोबाइल नंबर भी जिस जो चालू हो वो वाला मोबाइल नंबर आपको लगेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, पेपर पैटर्न टोटल कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो 720 नंबर का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम की साइट क्या होगी, तो देख लीजिए नीट एनटीए डॉट निक इन पे ये ऑफिशियल साइट है, इस पर आप चेक कर सकते हो यह एप्लीकेशन फॉर्म और सारी डिटेल। ओके, तो ये कितने घंटे का पेपर होगा आपका, जो 7 एग्ज़ाम डेट पता है आपको, 7 मई 2023 को एग्ज़ाम होगा और 200 मिनट का क्वेश्चन हो, मतलब कि टाइमिंग दी जाएगी आपको 200 मिनट, लगभग 3 घंटे 20 मिनट। और पेपर टाइम क्या होगा, तो 2 बजे से 5:20 आपका पेपर टाइम होगा, इतने टाइम में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके,
तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स सिलेबस के बारे में, पैटर्न क्या होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होगा इसमें जो चार सब्जेक्ट है उन्हें उनमें 35 नंबर का नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नंबर 140 140 करके ऑल सब्जेक्ट से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन बी होगा यहाँ पर 15 15 क्वेश्चन आएंगे जो चार सब्जेक्ट है जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर जो नंबर होंगे 15 क्वेश्चन 40 40 नंबर के होंगे, इसमें माइनस मार्किंग होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो उसमें 4 अंक मिलेंगे आपको, अगर एक क्वेश्चन गलत है आपका तो 1 अंक कट जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है नीट 2023 का एग्जाम होगा। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए, और नए हो पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो।